आज है महाशिवरात्रि और जो भी मेरा सच्चा भक्त होगा उसकी मैं मदद करने जरूर जाऊंगा। तो देखते हैं आज मेरी किसको जरूरत है। मेरी घड़ी कहाँ गई? हे भोलेनाथ, मेरी सैलरी भी नहीं मिली और ऊपर से मेरी 500 रुपए की घड़ी भी पता नहीं कहाँ गई। हे भोलेनाथ, आज तो शिवरात्रि है, मैं इनसे साड़ी मांग कर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो हेलो, आप ना घर आते वक्त ना मुझे 2000 रुपए की साड़ी लाना, नहीं तो मैं घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अरे मेरे पास पैसे नहीं है ना और ऊपर से मेरी सैलरी भी नहीं मिली। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे साड़ी चाहिए तो चाहिए। अपना पड़ोसी है ना लल्लू, उसकी मम्मी को उसने 3000 रुपए की साड़ी दी है, मुझे तो चाहिए साड़ी। और हाँ, कान खोल के सुन लीजिए, जब तक साड़ी नहीं लाएंगे ना मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस ठीक है? हे भगवान, मैं कहाँ से लाऊं इसको 2000 रुपए की साड़ी, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास और परेशान क्यों हो बेटा? अरे कौन है, कौन है? अरे भोले बाबा आप? हाँ बेटा। भोलेनाथ जी, आज तो महाशिवरात्रि है ना, तो मैं मेरी पत्नी के लिए एक साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें साड़ी दूंगा। अच्छा, थैंक यू शंकर भगवान जी, जो आपने मुझे इतनी अच्छी साड़ी दी। अब मैं ये साड़ी अपनी पत्नी को गिफ्ट करूंगा। पूजा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, एक सुंदर सी साड़ी, देखो देखो। कितनी अच्छी है, इसमें मैं कितनी सुंदर लगूंगी। अरे तुम तो डॉल लगोगी। चलो अच्छा है ना, अब मुझे ये साड़ी जल्दी से पहनकर बताओ तुम, ठीक है? ठीक है ठीक है। तुम तो बहुत क्यूट लगोगी इस साड़ी में, अब जाओ, यहाँ क्या बैठी हो, जाओ। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरी घड़ी खो गई। भगवान जी आप ला दोगे मेरी घड़ी? ठीक है बस, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हारी खोई हुई घड़ी वापस लेकर आता हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी घड़ी मुझे वापस ला दी, आपकी लीला तो अपरंपार है। पापा पापा। हाँ बेटा क्या हुआ? पापा पापा, आपने बोला था आज आपको तनख्वाह मिलेगी, मुझे नए खिलौने दिलाओ ना। अरे बेटा मैं कहाँ से दिलाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली। पापा आप कितने गंदे हो, मुझे खिलौने नहीं दिलाती हो। मैं गंदा नहीं हूँ बेटा। अरे मेरे पास तो ये भोले बाबा है। हे भोले बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी को सुंदर सुंदर खिलौने दे दो भोलेनाथ। ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। अरे वाह, कितने सारे टेडी, इन टेडी को देखकर तो मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू शंकर भगवान जी आपका। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। अरे देखो तो सही। इतने रंग बिरंगे टेडी, पापा कहाँ से लाए? मैं बाजार से लाया बेटा तुम्हारे लिए, अच्छे है ना? हाँ। लो ले लो।
अरे तुम इतनी परेशान और उदास दिखाई क्यों दे रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अरे आज मैं मंदिर गई थी ना, पता नहीं किसी ने मेरे सैंडल चोरी कर लिए। ये देखो मेरे धूप में कितने तेज पैर जल रहे हैं, अब मैं घर कैसे जाऊं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी मदद करता हूँ। भगवान जी भगवान जी, इस लड़की की मदद करो, इसको एक जोड़ी सैंडल दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये लीजिए आपके लिए नए सैंडल। ओह वाओ, कितने सुंदर सैंडल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भगवान जी, आपने सभी लोगों के लिए कितनी सारी चीजें दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। अरे बेटा, तुमने सभी लोगों की बहुत भलाई की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी भगवान जी, अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक नया फोन दे दो। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अच्छा तो ये है वो महाशिवरात्रि की जादुई शंकर भगवान जी की मूर्ति। अब देखो इस मूर्ति से मैं अपने लिए क्या क्या चीजें मंगाती हूँ। इसे तो ना मैं रखूंगी और अपने लिए ना इतनी सारी चीजें मंगाऊंगी। अच्छा भगवान जी, आप सबके लिए कुछ दे रहे हो, अब मुझे भी है ना, आप ना इतना अमीर बना दो, इतना अमीर बना दो कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन सब की संपत्तियां खाक कर दो भगवान जी। इनको बिल्कुल भिखारी बना दो और इस दुनिया की सारी जनता को भी भिखारी कर दो, वो मुझसे आगे भीख मांगा करे। इतना अमीर कर दो मुझे। तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया है, तुमने लोगों की भलाई ना चाहकर बल्कि उनका बुरा चाहा है, इसलिए अब देखना तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। नहीं भगवान जी, ऐसा नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ मत करना, नहीं। अरे मूर्ति कहाँ गई? ये क्या हो गया? चल क्यों नहीं पा रही? मैं लगनी क्यों हो गई?